अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर नाइन्थ में और फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में आता होता है कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे हमारे पास है, पहले है, इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो मिलने की इस्तेदाद है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, सलाहियत है, उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इट इज़ एपरेंट चार्ज विद साइन विच एन एटम कैरी इन अ कंपाउंड। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, किसी भी एटम के ऊपर चार्ज जो एक कंपाउंड के अंदर वो कैरी करता है, ठीक है, विद साइन, मतलब वो प्लस या माइनस में होगा। वैलेंसी जो है, इट इज़ ओनली अ नंबर एंड डज नॉट कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। वैलेंसी में क्या होगा, सिर्फ नंबर होगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है, उसके साथ कोई साइन नहीं लगा होगा, ना प्लस का ना माइनस का। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि डिफाइन में कह दिया कि इसके साथ क्या होगा, इट रेफर्स टू नंबर अलोंग विद चार्ज विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा नंबर के साथ क्या आएगा, चार्ज भी आएगा, या प्लस या माइनस। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल है हमारे पास, लाइक CO2 है हमारे पास, यहाँ पे कार्बन की अगर हम वैलेंसी की बात करें तो वो 4 है, 4 है, और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो वो 2 है, ठीक है, एक ऑक्सीजन की 2 × 2 ऑक्सीजन है, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 की -2 और 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो हमने +4 लिखा है और ऑक्सीजन के -2 साथ लिखा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 और सिर्फ 2 है, ठीक है। तो वैलेंसी में जो है वो चार्ज नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑलवेज होल नंबर। ये हमेशा एक होल नंबर, मुकम्मल अदद होगा, 1, 2, 3, ठीक हो गया। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मे बी इन फ्रैक्शन, ये पॉइंट्स में भी हो सकता है, ठीक है, 1.5, 2.5 एंड सो ऑन। वैलेंसी, इट इज़ यूजुअली कांस्टेंट। एक एलिमेंट के लिए जो है वो एटम के लिए वैलेंसी ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट इट कैन बी वेरिएबल। ये क्या हो सकती है, वेरिएबल, लाइक ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो 2 है, लेकिन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2, +2, -1, -1/2, इस तरह भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास वैलेंसी, इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इन आइसोलेशन। ये एक एटम की आइसोलेशन में प्रॉपर्टी है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ सोडियम, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी हमेशा ही 1 होगी। मैं लिखता हूँ पोटासियम, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड। ये किसी भी एटम की प्रॉपर्टी है जो कंपाउंड में जब वो होगा तब ये शो होगी। कैसे, लाइक अगर मैं सिर्फ Na लिख दूँ ना, तो इसका मतलब क्या है, Na का मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक है। लेकिन मैं NaCl लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी और Cl की जो है -1। तो जब आइसोलेशन में होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होती है, लेकिन जब वो किसी कंपाउंड में होगा तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो होती है, ठीक है स्टूडेंट्स।